नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोक्सी फ्री फेवरेट फार्मिंग में, और लेके आए हैं हम आपके लिए कमाल की वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 8 दिसंबर है, किसानों द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारी मात्रा में यहाँ पे किसान पहुँचे हुए हैं। ये जो यहाँ पे धरना हो रहा है, ये है भोपा पुल मुजफ्फरनगर पे, ठीक है, भोपे के यहाँ हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 8 दिसंबर है और किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो किसानों से जानते हैं आखिर में क्यों बैठे हैं, बताइए क्यों धरने बैठे हैं, क्या समस्या है? भारत बंद है। अच्छा, किसानों का जो इसकी मांग है अध्यादेश वापसी की जी, उसके समर्थन में सभी क्षेत्र के किसान। क्या मांग है सर, पता है थोड़ा सा बताएंगे कि बहुत सारे किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है। जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया, जो नियम बनाया, वो किसान विरोधी है जी जी, और वो किसानों की एक दबनकारी स्थिति, इतना दबाव बनने के बावजूद सरकार उसे नहीं कुछ संशोधन नहीं कर रही। अच्छा, क्या मांग है? अध्यादेश वापस सारा वापस। अच्छा, MSP के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? नहीं, अध्यादेश वापस है तो MSP तो लागू होनी। अच्छा, सारा ही वापस है। अच्छा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं 7-8 मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें कुछ नतीजा निकला? नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छा, नतीजा निकलता फिर धरना नहीं होता। अच्छा, और कोई बताया पहले थोड़ा? मैं बिट्टू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन से बेड़ा थ्रू। अच्छा सर, बताइए भाई। तो ये मामला सरकार का है, उलट पुलट चल रहा है, किसानों के खिलाफ चल रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई हमारी। अच्छा अच्छा, शांति से हम लड़ाई लड़ते हैं। हमारा कोई उत्पाद या किसी तरह की कोई बात नहीं, हम अपना शांति बना। हम देख रहे थे जो बूढ़े और बच्चे थे उनको निकल। हाँ हाँ, बिल्कुल शांति से, किसी तरह की कोई वो नहीं होने की, शांति बनाकर हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो भी ऊपर से आदेश होगा उसी आदेश के हिसाब से चलेंगे। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम ये कहना चाह रहे भाई, आप जब हमारे पे ऐसा लागू कर रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल है, इसे भी चीप रेट कर दो जी जी, ये 25-30 रुपए लीटर बिकेगा तो हम ये मामला ठीक रहेगा। अब अपने काम को तो सरकार बचा रही है, किसानों पर लागू कर रही है। जी, हाँ जी, जो कुछ सरकार से मांग रहे हो तो देती नहीं जी जी, और जो मांगते नहीं जिसे मना करो उसे थोपो, किसान जबरदस्ती थोपने वाली बात है और कुछ नहीं है। सही बात, जबरदस्ती क्यों फिर आ जा रही है? सही बात, सही बात, ठीक है, ठीक। ये देखे किसान भाइयों, सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे हमारे किसान। पिछले साल हमारा फेवरेट रुका है, अभी पिछले साल ये देखा कि दोस्तों किसानों में बहुत बड़ा मतलब आक्रोश हो रहा है। यहाँ पे सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे बेचारे, और ये देखिए यहाँ पे जाम लगाया हुआ है किसानों ने सारा पूरा। यहाँ भी देखो आप, भारतीय किसान यूनियन, खोल लो ना, क्या हो जान तो बताओ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये देखिए किसान यहाँ पे सारे यात्री इंतजार कर रहे हैं, बस इनकी एक ही मांग है, जो अध्यादेश है वो वापस लेना चाहिए। वो तो दिख जाओ तो आ जाओ सारा, आ जाओ ऊपर करके। रेगड़ा और मखियाली सब बढ़ा रखी सर।